प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फ्रेड एसलेशन में एक और नवरिकल जो कि पिछले ईयर में गेट एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। गेट 2007 में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन देखिए कितना आसान है और आप आराम से कर पा रहे हो। क्वेश्चन है कि अ फिलेज ड्रम इज यूज टू सेपरेट मैथेनॉल वाटर मिक्सचर। फ्रेश ड्रम का मतलब समझ गए, फ्रेश ड्रम कहाँ यूज होता है? इक्विलम डिस्टिलेशन जो हम करते हैं तब यूज होता है। लिख लिया आपने कि फ्लैश ड्रम डिस्टिलेशन, चित्र में देख सकते हो कि इज यूज टू सेपरेट अ मेथेनॉल वाटर मिक्सचर। इसका मतलब फ्लैश ड्रम के बारे में बात कर रहा है तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पर बना लेंगे। फ्लैश ड्रम है तो भाई PRV भी होगा और यहाँ पर हीटिंग भी कर रहे होंगे, ठीक ये सब होगा। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन वाला ही बनाएंगे। यहाँ से एक स्टीम जा रही है, वो हमने क्या किया, इसको गर्म किया और गर्म किया तो हमने इसे QH एंथैल्पी दे दी, एनर्जी दे दी। दिस इज प्री हीटर। किसी भी कोण जाने से पहले अगर हम किसी भी स्टीम को हीटअप करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग एंथैल्पी, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, देन दिस टाइप ऑफ हीटर इज कॉल्ड प्री हीटर। फीड है एफ और उसकी वैल्यू दी है 1000 kmol/h, 1000 kmol/h। इसमें मेथेनॉल दिया है 50%, तो मेथेनॉल और वाटर दोनों 50% है। मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64 समथिंग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो मेन कंपोनेंट इसमें मेथेनॉल है जिसका मोर वोलेटाइल है, ठीक है। तो एक्सएफ हम कह सकते हैं 0.5 जो मोल फ्रैक्शन है, 50% मेथेनॉल है, यानी एक्सएफ जो है 0.5 है। यहाँ से मुझे मिल जाता है बॉटम प्रोडक्ट W और यहाँ से डिस्टिलेट मिल जाता है D। दिस इज अ फ्लैश ड्रम। आगे बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन द फीड 0.5 लिख लिया आपने, एंड फीड फ्लोरेट 1000 kmol/h लिख लिया आपने। द फीड इज प्री हीटेड इन द हीटर विद हीट ड्यूटी QH। हीट ड्यूटी है इसकी QH है, ठीक। QH का मतलब जो है कि अब आगे मालूम पड़ेगा। एंड सबसिक्वेंटली फ्लैश इन द ड्रम, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम ड्रम में फ्लैश कर देते हैं। द फ्लैश ड्रम कैन बी अज्यूम टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट। फ्लैश ड्रम है एक तरीके से एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ऑपरेटिंग एडियाबेटिकली। जो भी हीट आप दे रहे हो, अगर देखो क्या क्या होगा, इस फीड के पास पहले से कोई ना कोई हीट होगी, फिर हमने बाहर से हीट ऐड किया है, दो जगह हीट ऐड किया, वो हीट जो है या W के पास होगी और बची हुई D के पास होगी और कहीं नहीं होगी, ये मतलब है, ठीक। द इक्विलिब्रियम रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर एंड लिक्विड फेज, जो आप बाई और एक्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे आप बात करते ना बाई, जैसे आप बोलते थे एक्स डी जो है कह रहा 4 times है XW के, बाई कुछ टू 4x। जब प्लेट इक्विलिब्रियम जैसी इक्विलिब्रियम प्लेट जैसा काम करता सिस्टम, तो कंपोजिशन आपस में इक्विलिब्रियम है। द रेशियो ऑफ डिस्टिलेट टू फीड फ्लोरेट ये दिया है 0.5। रेशियो ऑफ डिस्टिलेट टू फीड फ्लोरेट इक्वल टू दिया 0.5 और एफ की वैल्यू मालूम आपको 1000, तो डी निकालोगे 0.5 × 1000 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 kmol/h। डी की वैल्यू मिल गई 500 kmol/h, ठीक है, डी मिल गया आपको। अच्छा ये भी मालूम है आपको कि भाई जो F है, F इक्वल टू D+W होता है, तो उससे 500 ऊपर है और F नीचे है, तो ये कितना हो जाए, भी 500 हो जाएगा। अब लिखोगे F इक्वल टू D+W ओवरऑल मार्टियल बैलेंस, तो वहाँ से W निकाल लोगे दो वैल्यू पुट करने बाद, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन डिस्टिलेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन डिस्टिलेट
यानी ऊपर बाई की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर बाई की वैल्यू पूछ रहा है, ये पहला काम कर रहा है जो आपको बताना है। ऑप्शन है 0.2, 0.7, 0.8, 0.9। तो इसका मतलब सीधे आप मटेरियल बैलेंस कर लीजिए, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लिखो डी प्लस डब्लू, तो 1000 जी 500 500 प्लस डब्लू, डब्लू कुछ तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको कंपाउंड बैलेंस लेना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि मेथनॉल का कंपाउंड बैलेंस लेता हूँ, तो पूरा फीड में मेथनॉल का इतना एक्सएफ है, मटेरियल कर देंगे इतना आ जाएगा, तो पूरा मेथनॉल इतना ही तो है। अब कुछ मेथनॉल ऊपर होगा डी इंटू एक्स डी प्लस नीचे होगा डब्लू इंटू क्या एक्स डब्लू, डी की वैल्यू 500 और जी एक्स डी है जो 4 times एक्स डब्लू है, या फिर ये बाई है और ये एक्स है, तो 4x हो गया, 500x हो गया, 500 इंटू एक्स हो गया, और ये 0.5 है और ये क्या है इधर अपना 1000 है, 500 और 520 जी आपका 2000x हो गया, और फिर जी 500x हो गया, तो यहाँ हो जाता है ये 2500x 500 बटे 2500 1/5 0.2। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x होता है, रिलेशन दिया है 0.2 तो 0.8, तो y इक्वल टू है 0.8। अब y को तो एक्स डी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल वाला कंपोनेंट इन गैस वेज यानी वेपर वेज, दिस इज द आंसर। तो इनमें से ऑप्शन देखो, देखो सी राइट आंसर। ठीक, आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आपको मानना पड़ेगा ऊपर का 0.8 मोल फ्रैक्शन एक्स डी और नीचे एक्स डब्ल्यू कितना होगा 0.2। फिर कह रहा है इफ एंथैल्पी ऑफ द डिस्टिलेट विद रेफरेंस टू फीड, डिस्टिलेट की एंथैल्पी कह रहा है विद रेफरेंस टू फीड, फीड इज 3000 किलो जूल पर किलो मोल, ठीक, एंड एंथैल्पी ऑफ द बॉटम विद रेफरेंस टू फीड नेगेटिव में दिया हुआ है, द हीट ड्यूटी ऑफ प्री हीटर कितना क्यू एच आपने दिया है वो आपको बताना है। देखो इसमें क्या है कि इफ द एंथैल्पी ऑफ द डिस्टिलेट विद रेफरेंस टू फीड, फीड के रेफरेंस में देखें, मान लो फीड जीरो है अगर, तब उसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। अगर हम किसी रेफरेंस ले रहे हैं मतलब उसको हम जीरो मान के हम काउंट कर रहे हैं, तो फीड की एंथैल्पी हम जीरो मान सकते हैं। ठीक, अगर हम फीड की एंथैल्पी जीरो मान लेते हैं तब डिस्टिलेट की एंथैल्पी कितनी होगी 3000 किलो जूल पर किलो मोल, राइट। इसका मतलब उसके पास रोल कितनी एनर्जी है पता करना है फीड के बाद, तो उसके उसके जो मोलर फ्लो रेट है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अब यहाँ देखो एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, ठीक। तो पहले फीड के पास कितनी एनर्जी थी, तो उसके पास जीरो एनर्जी थी, जीरो किलो जूल पर किलो मोल, उसका फ्लोरेट कितना था तो 1000 था, मतलब एफ था किलो मोल पर आवर, समझ में प्लस। अब उसमें क्यू एच जुड़ गया, तो क्यू एच होगा वो भी किलो जूल, तो किसमें जाएगा कि क्यू एच जो है वो हमारा किसमें आएगा, देखो मल्टीप्लाई आप यहाँ से करोगे वो तो खाली एनर्जी है, क्यू एच जो है
किलो जूल पर आवर। ठीक, किलो जूल पर आवर में क्यों? क्योंकि किलोमोल से किलोमोल कट गया, ऊपर किलो जूल बचा है या आवर बचा, तो इतनी हमने एनर्जी ऐड कर दी। ठीक, अब वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो डिस्टिलेट में, डिस्टिलेट का मोल फ्लो कितना, 500, 500 किलो मोल पर आवर, और उसके बाद है कितनी एनर्जी, 3000, 3000 किलो जूल पर किलो मोल। अब और किसके पास है, डिस्टिलेट के पास, उसका कितना फ्लो रेट है, 500 किलो मोल पर आवर इंटू एनर्जी कितनी है, माइनस, माइनस का मतलब यही है कि इसका टेम्परेचर जो है वो फीड के मुकाबले में क्या है, कम है, फीड का ज़्यादा है, इतना तो मतलब है इसका। मैं फीड का बोल रहा हूँ, आफ्टर प्री हीटिंग नहीं बोल रहा हूँ। फायर यूनिट जो है वो किलो जूल पर आवर आएगी, तो यहाँ से हो गया 0 क्यू एच 500, 3000 500 इंटू 1000, 500 कॉमन ले लो, 3000 में से 1000 घटा दो, 500 इंटू 2000। आप इसको ऑप्शन देखने का है जी, दो दो गुणा की पावर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पाँच दूनी 10 और 5 0, या फिर 1 × 10 की पावर 6। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि जो हमने हीट यहाँ से दी है उसके लिए वो 2 × 10 की पावर 6 है, क्यू एच है, और क्योंकि ये हीट दी है इसलिए पॉजिटिव में है। ठीक, अगर ये नेगेटिव में होती, मतलब जो दिया है इसका मतलब सिंपल 10 की पावर 6 किलो जूल पर आवर, राइट आंसर सी। ठीक, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो फिर डिस्कशन आप आराम से कर सकते हो। तो मुझे लगता है सिंपल मटेरियल बैलेंस है। देखो, हमने इक्वेशन जो आपको बताई थी, वाई इक्वस टू माइनस वन एस एफ अपॉन एफ इंटू XDXW है ना, और या फिर एक्स प्लस एक्स एफ अपॉन स्मॉल एफ, तो वो इक्वेशन यहाँ पर यूज नहीं हुई, मगर वो इक्वेशन यूज हुई है, उसका बेसिक यूज हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था उसका बेसिक। हमने उसको कहाँ ड्राइव किया, हमने उसको डी माना, डब्लू माना, एफ माना, फिर हमने कहा डब्लू जो है वो स्मॉल एफ है ना, और मैंने वहाँ तक बोला कि डी अपॉन डब्लू जो है वो स्मॉल एफ है, अगर एफ जो है कैपिटल एफ वन मोल लिया है तो हमने वो उसके बराबर जाएगा, तो बेसिक आपको मालूम था इसलिए आपने आराम से वो क्वेश्चन लगाया। वरना आप क्या करते, वरना आप इस क्वेश्चन को वहाँ रखते, फिर सॉल्व करते, बाई एक्सप्रेशन निकालते, फिर वहाँ फार्मूला की तरफ जाते। अभी आपको मालूम है कि नहीं, फार्मूला की जरूरत नहीं है, सिंपल से लगाना है, इस तरीके आप लगा सकते हो आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।